5 seconds. Lift off normal. Here tracking. We have a majestic lift off of LVM3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan 3 spacecraft. P2 tracking. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM3 M4 रॉकेट का। यह भीमकाय रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है, इसे हम यहाँ महसूस कर सकते हैं, और यही दहाड़ है जो वैज्ञानिकों को रोमांचित करती है। LVM3 के उत्थापन के साथ ही हमारे अंतरिक्षयान चंद्रयान 3 की चंद्रमा की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। As the rocket is soaring through the clear skies, every second moving closer to the accomplishment of the most important milestone in its mission to Moon. Every Indian witnessing the launch live is content with the feeling of watching. आज 14 जुलाई दोस्तों, आपको तो आप लोग जानते हैं कि आज हमारे हिंदुस्तान के लिए एक कितना महत्वपूर्ण दिन है, कितना उत्सव मना रहा है हिंदुस्तान का हर कोने में उत्सव मना रहा है जो हिंदुस्तान का नागरिक है। क्यों आज 14 जुलाई को जो कि चंद्रयान 3 जो लैंडिंग के लिए भेजा गया है चांद में, तो इसीलिए आज हम लोगों का ये खुशी का दिन है, उत्सव मनाने का दिन है, और ये आज का दिन बहुत खास है। और दोस्तों एक चीज़ आप लोग जानते हैं कि ये जो सफ़र है चंद्रयान का, अगर सफल हो जाता है अंतरिक्ष के दुनिया में, अगर लैंडिंग कर लेता है चंद्रयान 3, तो भारत दुनिया का 4वें नंबर पर आ जाएगा, जो कि अपने आप में रिकॉर्ड करेगा। दुनिया का 4वें नंबर पर इसीलिए आएगा दोस्तों कि दुनिया का जो 4वें नंबर पे आने वाला है चंद्रयान 3, जो कि सफल कामयाब होने के बाद, और 4वें नंबर से पहले 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर पे आखिर कौन है, तो दोस्तों आप लोग तो वो जानते हैं कि अमेरिका है, रसिया है, उसके बाद चाइना है। तो दोस्तों अंतरिक्ष की दुनिया में आखिर सबसे पहले कौन अपना चंद्रयान भेजा था, तो दोस्तों अमेरिका ने 1966 से लेकर 1968 तक जो कि चंद्रयान में 8 चंद्रयान सफ़र करता है, उसमें से जो कि सफल हो पाता है 5 और 2 बेकार चला जाता है, 5ों बार सफल हो जाता है अमेरिका। फिर रसिया 1959 से लेकर 1976 तक जो कि 25 बार सफ़र चंद्रयान का सफ़र करता है, लेकिन उसमें से कामयाब हो पाता है जो कि 15, और बाकी सब फॉल चला जाता है, लैंडिंग नहीं कर पाता है, पर 15 चंद्रयान जो कि लैंडिंग हो जाता है। उसके बाद चाइना जो कि 2007 से लेकर अब तक 5 मिशन जो कि भेजता है, और 5ों का 5 जो कि कामयाब हो जाता है। आखिर में हमारे हिंदुस्तान, आखिर चंद्रयान 3 जो चंद्रयान 3 आज जो 14 जुलाई को दोपहर 2:30 बजे अंतरिक्ष के दुनिया के लिए रवाना देता है, उसके बाद क्या हम लोगों के दिल में अभी भी भय है, क्या लैंडिंग कर पाएगा चंद्र में, क्या चंद्र में जो हम लोगों का हिंदुस्तान का मिशन है क्या उसको कंप्लीट कर पाएगा, यहीं हम लोगों के दिल में और माइंड में भय है। क्योंकि इससे पहले 2019 में जो विक्रम लैंडिंग था वो लैंडिंग नहीं कर पाता है, कुछ गलती हुआ था उस वैज्ञानिक से, लेकिन 2019 में विक्रम जब लैंडिंग नहीं कर पाता है, तो अगर लौट कर आता है तो नरेंद्र मोदी को गले लगाकर किस तरीके से रोता था दोस्तों, वो तो देखे थे आप लोग। और फिर 2008 में भेजा था, उसमें भी जो कि कामयाब नहीं हो पाया था चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 जो कि 2019 में, आज जो गया है दोस्तों 2023 में 14 जुलाई को वो चंद्रयान 3। तो दोस्तों अभी देखने का बात यही है, क्या हिंदुस्तान चंद्रयान में मिशन कंप्लीट कर पाता है कि नहीं, चंद्रयान में लैंडिंग कर पाता है कि नहीं, यही देखने का विषय है। तो दोस्तों आज का दिन हम लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है, और कहीं ना कहीं अपने आप को एक सोचने वाला विषय है। अगर एक तरफ हम लोग उत्सव मना रहे हैं, तो दूसरे तरफ लोग जो कि सोच रहा है क्या चंद्रयान 3 मिशन कंप्लीट कर पाएगा, यही सोचने का विषय है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि अगर मिशन कंप्लीट हो जाता है 2023 में, जो 14 जुलाई को आज रवाना दिया है अंतरिक्ष में जाने के लिए चंद्रयान 3, तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यही है कि अगर कंप्लीट हो जाता है, अगर मिशन कंप्लीट हो जाता है, मिशन में कामयाब हो जाता है, तो हमारे देश दुनिया का 4वें नंबर पर आ सकता है।
जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड कर सकता है। यहाँ अंतरिक्ष की दुनिया में चंद्रयान में हमारे हिंदुस्तान का भी झंडा लहरेगा। और दोस्तों, इन जैसे वैज्ञानिक को हम दिल से सल्यूट करते हैं और दिल से प्रणाम कर रहे हैं कि हमारे हिंदुस्तान का नाम रोशन करने के लिए अपने जान के खिलाफ चला जाता है। तो इन जैसे वैज्ञानिक के लिए मेरे पास बहुत सम्मान है और बहुत सल्यूट करते हैं इन जैसे वैज्ञानिक को। और हमारे हिंदुस्तान में अगर सोचिए, आपके हाथ में 5 उंगली है तो आपका उंगली एक बराबर नहीं है, कोई बड़ा है तो कोई छोटा है, कोई मोटा है तो कोई पतला है। उसी तरीके से मानकर चलिए कि अगर ए उंगली जो है दोस्तों किसी काम पर नहीं लगता है, लेकिन ये उंगली कहाँ लगता है? अगर हम किसी के साथ झगड़ा करेंगे, किसी के साथ लफड़ा करेंगे, उसको बोलेंगे तुमको देख लेंगे, काटेंगे तुमको, तुम्हारा बाप का औकत नहीं, इस तरीके से हम उसको बोलेंगे। और ये सब उंगली जो कि काम का है, इस उंगली से इसको हटाकर हम लोग जॉब करते हैं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हर देवता का जॉब करते हैं। और उसी तरीके से मानकर चलिए कि हमारे देश में कितने ऐसे डिपार्टमेंट है जो कि इस हिंदुस्तान को बड़ा बनाना चाहता है, इस हिंदुस्तान को ऊंचाई को छुआना चाहता है, इस हिंदुस्तान का नाम रोशन करना चाहता है, इस हिंदुस्तान के लिए मन मिट जाता है, अपना जान हर वक्त हर टाइम देने के लिए तैयार रहता है इस हिंदुस्तान के लिए, इस हिंदुस्तान का मिट्टी के लिए। और कुछ लोग जो कि इस हिंदुस्तान को तोड़ना चाहता है, इस हिंदुस्तान को नीचा दिखाना चाहता है दुनिया वालों के सामने, इस हिंदुस्तान को मिट्टी में नस्तनाबूद करना चाहता है, तो उन लोगों से हम अपील करते हैं कि तुम लोग हमारे हिंदुस्तान को तोड़ना चाहते हो, गिराना चाहते हो, तो देखिए आज हिंदुस्तान किस ऊंचाई को छू रहा है, हिंदुस्तान किस मुकाम पे पहुंच गया कि चंद्रयान 3 जो कि फिर से रौना दे दिया, जो 2019 में जब फेल हो जाता है, कामयाब नहीं होता है, फिर भी को हार नहीं मानता हमारे हिंदुस्तान। यह है मोदी का राज्य। और हम हिंदुस्तान सरकार से भी एक निवेदन करते हैं कि जो लोग हिंदुस्तान को तोड़ना चाहता है, हिंदुस्तान को नीचा दिखाना चाहता है, तो उन लोगों के लिए एक कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं किया जाता है, उन लोगों के लिए कोई व्यवस्था क्यों नहीं लिया जाता है? फिर भी अगर हमने हिंदुस्तान को अंदर ही अंदर खोखला करता जा रहा है, फिर भी आसानी से घूम रहा है, फिर रहा है, हर कुछ कर रहा है, किसी प्रकार का डर नहीं है। और हिंदुस्तान का कितने डिपार्टमेंट जो कि इस हिंदुस्तान को अच्छा बनाते बनाते अपना जान का फिक्र तो नहीं करता, लेकिन शहीद हो जाता है। तो हिंदुस्तान सरकार से एक निवेदन करते हैं और हमारे हिंदुस्तान का सारे जनता से निवेदन करते हैं कि हिंदुस्तान में वन नेशन वन कानून, वन नेशन वन लॉ जो कि लागू कीजिए। हमारे सुरक्षा बल जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं, उस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को अपना काम करने में कुछ सुविधाएँ मिल सकता है और अच्छे से कर सकता है। और जो भ्रष्टाचारी करता है, जो आतंकवादी है, अलगाववादी है, जो तस्करी है, जो धर्म नियंत्रण करता है, अपहरण करता है, उन लोगों को कहीं ना कहीं दिक्कतें आ सकता है और उन लोगों का नामो निशान इस दुनिया से, इस भारतवर्ष से, इस हिंदुस्तान से मिट सकता है। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को प्लीज़ शेयर करना और वीडियो को लाइक करना।